मेरी पुस्तक से भविष्य का भय, जिसका मैंने पिछले वीडियो में सारांश बताया था, आज मैं उसी पाठ का प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ बताऊंगी। ये शब्दार्थ सामने हैं, चलिए शुरू करते हैं। अपमान, अनादर, आहत, घायल, यूनिफॉर्म, गणवेश, मतलब एक रूपता जैसा कि आप स्कूलों में देखते हैं, तीर की भांति यानी अतिशीघ्र, डेंजरस यानी खतरनाक हरकत, हिलना डुलना या शरारत, सिर पर भूत सवार होना यानी बहुत क्रोधित होना, क्षमता यानी सामर्थ्य, उद्धार, विपत्ति, दुर्दशा, पाप आदि से छुटकारा, सिरफिरी यानी नासमझ, ताज्जुब मीन्स आश्चर्य। ये तो था बच्चों, समझ में आ गया होगा, और ये सामने पीडीएफ भी मैं भेज रही हूँ, देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। फिर है आपके कहानी से प्रश्नोत्तर। प्रश्न है पहला, स्कूल से लौटने पर तुलतुल मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई? दूसरा, तुलतुल की माँ ने उसे घरेलू कार्य करने का आदेश क्यों दिया? तीसरा है, ईश्वरचंद विद्यासागर की जीवनी पढ़ने पर तुलतुल पर क्या असर हुआ? तुलतुल के मन में भविष्य के किस भय की चिंता थी? टूनी की माँ टूनी को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती थी, और वह टूनी के घर की नौकरानी छोड़कर क्यों चली गई थी? लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में मिस के क्या विचार, तुलतुल पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके बाद भाषा की बात है, भाषा के पहले मुहावरे हैं आपको करना है और नेक्स्ट करना है, बस इसके बाद दोनों बीच में नहीं करने हैं। मैं इसका आंसर भेज रही हूँ प्रश्नोत्तर का। स्कूल से लौटने पर तुलतुल मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई? इस आंसर है, स्कूल से आकर तुलतुल मुंह फुलाकर बैठ गई क्योंकि टूनी की माँ घर काम करने नहीं आई। तुलतुल की माँ ने उसे घरेलू कार्य करने का आदेश क्यों दिया? आंसर है, तुलतुल की हरकतों से तंग आकर टूनी की माँ काम करने नहीं आई, इस कारण उस घर के कामों को तुलतुल को सौंपा गया। तीसरा है, ईश्वरदीन विद्यासागर की जीवनी पढ़ने पर तुलतुल पर क्या असर हुआ? आंसर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जीवनी पढ़कर उनके विचारों से प्रभावित होकर तुलतुल ने अपना कीमती कार्डिगन एक गरीब लड़के को शीत से बचाने के लिए दे दिया। चौथा है, तुलतुल के मन में भविष्य के किस भय की चिंता थी? आंसर है, तुलतुल भविष्य में पाप रहित संसार को रचना चाहती थी, परंतु उसे यह भय था कि कहीं वह माँ की तरह उलट पलट न हो जाए, बेवकूफ़ न बन जाए और भूल न जाए कि सभी लोग एक समान हैं। पांचवा प्रश्न है कि टूनी की माँ टूनी को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती थी, और वह तुलतुल के घर की नौकरी छोड़कर क्यों चली गई? आंसर है, टूनी की माँ टूनी से अपना घरेलू कामकाज कराती थी, इसलिए वह उसे स्कूल नहीं भेजना चाहती थी। तुलतुल द्वारा टूनी को स्कूल में दाखिला कराकर टूनी की माँ का गुजारा मुश्किल था, इसलिए वह तुलतुल के घर की नौकरी छोड़कर चली गई। सिक्स प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में मिस के क्या विचार थे, और मिस के विचारों का तुलतुल पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में मिस के विचार थे कि दुनिया के सभी लोग एक समान हैं, सभी लोग छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल के लिए किए जाने का अधिकार है। तुलतुल पर मिस के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह घर में काम करने वाली स्त्री की बच्ची टूनी की देखभाल और शिक्षा के विषय में सोचने लगी। फिर है भाषा की बात, ये मुहावरे हैं, मैं मुहावरे का वाक्य प्रयोग भी भेज रही हूँ, आप अगर अपने से वाक्य बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुंह फुलाना मीन्स गुस्सा होना, हाथ बांटना मीन्स मदद करना, मजा चखाना यानी दंड देना, किए का फल चखाना, सर पर भूत सवार होना यानी बुद्धि ठीक न होना,
कोई चारा न होना यानी कोई उपाय न होना, दिमाग फिरना यानी बुद्धि ठिकाने न होना, पेट में चूहे कूदना, भूखा होना। बच्चों इसके बाद ये आपका पदों के मेल से आपके वाक्य बनाना है और समास बताना है कौन सा समास है। तो जैसा कि समास के बारे में आप जानते हैं कि यदि जिस समाज में दोनों के प्रधान दोनों ही प्रधान हो और उनके बीच में और शब्द का लोप होता है तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता शब्द होता है तो माता पिता में दोनों ही प्रधान हैं लेकिन इसमें और शब्द का लोप हो रहा है यानी माता और पिता। तो जहाँ पर इस तरह के भाई बहन, भाई और बहन, तो यहाँ भाई और बहन दोनों ही प्रधान हैं इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। इसीलिए इसी प्रकार आपको कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जैसे झाड़ू पोछा, झाड़ू और पोछा, इसमें और शब्द लुप्त है इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास है। ऐसे दुबली पतली, तो दुबली और पतली दोनों ही शब्द प्रधान हैं तो ये द्वंद्व समास है। इसी प्रकार हाथ मुंह, हाथ और मुंह, यहाँ भी द्वंद्व समास होगा। लड़के लड़कियाँ यानी लड़के और लड़कियाँ, तो यहाँ भी और शब्द लुप्त है इसलिए यहाँ भी द्वंद्व समास होगा। यानी जिस समाज में दोनों प्रधान होते हैं और उनके बीच में और शब्द का लोप हो तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है बच्चों, इसको आप कर लीजिएगा, अच्छे से अभ्यास करिएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।